और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। आज मजीद 72 अफराद जहां भाग हो गए। एनसीओसी के मुताबिक हलाकतों की मजमूई तादाद 24,478 हो गई है। एक दिन में कोरोना के 53,644 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि अगर शहर कायद की बात करें तो शहर कायद में भी कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी सामने आना शुरू हो गए हैं। शहर कायद की क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे यासर सलीम से जानेंगे। यासर सलीम, बताएगा क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, कराची में कोरोना वायरस के केसेस में जो इजाफा हो रहा था लॉकडाउन से पहले, अब उसके अंदर कुछ कमी वाकई हो गई है। हुकूमत सिंध के मुताबिक कराची में जो कोरोना की शरह है वो तकरीबन 14% के हिसाब से जो है वो अभी मौजूद है। इससे पहले ये शरह तकरीबन 22 से 23% और मैक्सिमम 30% को भी जो है वो टच की गई है। और हुकूमत का कहना है कि कराची में अब तक 90 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी भी जो है वो अब करार दे दी गई है कई सरकारी और प्राइवेट इदारों के अंदर। और हम आपको ये बताते चले कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो कराची में जो न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के, उस हवाले से जो है वो डेल्टा वेरिएंट उसमें। बहुत शुक्रिया यासर सलीम, तफसीलात से आगाह।